अरे भाविक, तुम आ गए बेटवा? जी। अच्छा हुआ, दुल्हन कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। अम्मा इरावती जी आ गई है, वो तो ऊपर कमर में तैयार हो रही है। लगता है फंक्शन शुरू हो गया, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अखिलेश की मॉम ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। कहाँ है? पकड़ लिया। अब मैंने यहाँ एक लड़की को आते हुए देखा है। हाँ मामी, यहाँ कोई नहीं, आपको कौन भ्रम हुआ है? Don't you play the prank card with me? मैंने खुद एक लड़की को यहाँ आते हुए देखा है, अब जीन्स एंड टी-शर्ट में, ब्लू जीन्स टू बी प्रिसाइज। Yes, move. माम, आपने छानबीन की कोई लड़की दिखी? हम कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं है, आप नीचे जाके संगीत का आनंद लीजिए, जाइए। फाइन। क्या कर रही हो माम? पता है, कोई नहीं। थैंक यू सो मच अखिलेश, अगर आज तुम नहीं होते तो। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? तुम सुबह की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? मैंने सॉरी बोला ना। ये सारी है ना, आप अपने पास ही रखिए, ठीक है? फाइन, हार्ड में जाओ फिर, मुझे भी तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, जाओ भगा भग साड़ी पहन के नीचे आ जाओ, जाओ। हाँ अखिलेश, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब क्या हुआ? कहाँ कह रही हो, तुमको साड़ी पहनना नहीं आती? कैसी लड़की हो तुम? ऐसी लड़की जो गाड़ी का टायर चेंज कर सकती है, ड्रिल मशीन चला सकती है, कराटे चॉप लगा सकती है और मरीजों का इलाज भी कर सकती है, पर ये साड़ी वाड़ी पहनना नहीं आता मुझे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सिखाओ मुझे साड़ी पहनना। पर हम का रोज किसी को साड़ी पहना देगा? हम क्या करें, अम्मा की मदद नहीं मांग सकते, वरना तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। अरे टेंशन मत लो यार लंपट लंगूर, जिसका कोई नहीं होता ना उसका इंटरनेट होता है। एक इस पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के सीख जाऊंगी। कोई ठीक रहेगा, आप वो वीडियो देख के पहन लीजिएगा, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। ओ हेलो, मैं ये अकेली नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पगलेट होगा तुम ये वीडियो देखो, मैं अभी आई। चुपचाप यहाँ पे खड़े रह के वीडियो देखो। हे बचन बलि, का संकट में डाले हो हमका? रहना हो Thank you.
शीला, क्या सोच रही हो? पहाड़पुर वाली बारात माँ कितना नाची थी, आज यह चुपचाप बैठी हो जाके नाचो, चलो जाओ। नहीं दीदी, हमें शर्म आते है। कहाँ किस तरह? भाभी, पुष्पा भाभी कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? बाहर मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। लखन भैया, दुल्हन है, वक्त लगता है तैयार होने में। ठीक है, हम उनका लेकर आते हैं और ये भी देखते हैं क्योंकि हाथ की मेहंदी पे कितना गहरा रंग आया। हाँ, मैं जरा उनको संभालता हूँ। बाहर तुम जाना नाचो। हीरा को तो अभी मेहंदी का रंग भी लगाना है। हेलो पुष्पा आंटी, ऊपर आ रही है तेरी मेहंदी का रंग देखने। तुम्हारी मॉम ऊपर आ रही है मेहंदी देखने। मेहंदी लगाई कहाँ है तुमने? आपका फोन दे भाभी। भाभी भाभी भैया देखिए, कैसे किसी भी हालत में ना अम्मा ऊपर नहीं आनी चाहिए। हमका थोड़ा और समय चाहिए, वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। ठीक है, कुछ भी करो उनका रोको। ओके, हो जाएगा। हाँ हाँ, अब जल्दी से मेरी पेंसिल लगाने में हेल्प करो। उठवा मुड़ी 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 क्या कमाल की नाची आप। वैसे हमारे गाँव में रसम है कि लड़की की सास को संगीत के दिन गरबा करती है। आपको आता तो है ना गरबा? गरबा गरबा तो नहीं आता बिटवा। नहीं आता? क्या हुआ, क्या करे आप? अरे इसमें टेंशन ले वाली कोई बात नहीं थी, मैं सिखाता हूँ नहीं आपको। कितनी पिन लगानी है, खत्म हो गई है। बस बस ये लास्ट। बकावक बैठ जाओ, बैठो, हमका मेहंदी लगाने दीजिए, उनका सूखना भी तो है ना। हाँ। अरे फिर दाब ऊपर आगे। हाँ। बीज ऊपर पाछड़ पीछे। समझ में आ गया। आगे बिटवा, ये करते करते हमारा धोबी पछाड़ हो जाएगा। अच्छा है। उड़ी 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 उड़ी। रुको रुको रुको, हम अगला स्टेप भी बाकी है। और भी है? अरे हमका चलिए। क्या ज्वेलरी कहाँ पहनी है? कहा है तुमने झुमके? एक पग आगड़ और बीजू पग पाछड़। आगड़ हाँ पाछड़। और अब गोल घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। अच्छा अच्छा, तनिक एक बार और दिखाई दो। एक पग आगड़ और बीजू पग पाछड़। पता है। और गोल गोल घूम। मुटी 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 मुटी। अरे बिटवा, हमका ये गरबा करके कौन सा सुवर न पदक हासिल करना है? बिटिया को नीचे ले जाना, देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। मोटी भाई, एक बार। बस बस ठीक है। तुम ही या दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो गुल्लू? अम्मा, दो ही दिन भी इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ बेशरम कही के। मोरी मोरी गंगा मैया, कितनी प्यारी लग रही हो तुम दुल्हन। दिखाओ मेहंदी का रिंग दिखाओ। अरे वाह, कितना गहरा रंग आया है। हाँ कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग गहरा है उसकी सास बहुत कड़क होती है। बहुत सेवा करवाएंगे हम तुमसे। ये तो भाई से सेवा करवा रही है। क्या बोले? हमारी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। चलो बिटिया नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, आओ जल्दी। हाँ हाँ चलिए। भाई और बहनों और दुश्मनों, तो आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा दूल्हे राजा अखिलेश पांडे का और हमारी दुल्हनिया ईरावती का। जोरदार तालियां। जून पे पहुंच
है, चुपचाप डांस करो। दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, ये है मेरी सगली अटेंशन। देखो ना बेबी दिल के वायर की लेंथ को, छू कर देखो प्यार वाले करंट को। डांस किया है आपने, ब्यूटीफुल। ए गुलो गुलो, बहुत अच्छा। या ये नानी बाहर सब ठीक है, दुल्हन को ले आ रहे हैं। इरावती जी अम्मा बुला रही है। पर अब मतलब इरावती ने साड़ी के नीचे जींस पहनी है, लाइक सीरियसली। सबके सामने मेरी बू को इंसल्ट किया था ना। पुष्पा तुम्हारी बहू का राज मैं खोलूंगी। ओरी मोरी गंगा मैया, का जोड़ी बनाए हैं। एक तो बात बताया तुमका दुल्हन, हमने बिटवा को नाच का नौ भी नहीं आता। आए बोल रही हूँ मां। चुप, तुम्हें प्रेम मां अब भाई से ताता भैया करने लग गया है। ठीक है लू। ये की नजर नहीं लगी हमने गुल्लू और हमने दुल्हन को। ए लखन भैया, हाँ की बात तो तुम्हें क्यों नहीं रख लेती? वैसे शगुन तो मेरा भी बनता है, राइट? यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। ओह माय गॉड, ये तो डिजाइनर है। कितना प्यारा मटेरियल है, माय गॉड। अरे छोड़ो छोड़ो, ये पता है का ये सब का हो रहा है? नथिंग का नथिंग का कर रही थी मैं साड़ी देख रही थी। दैट्स ऑल का है जिंदगी में कभी साड़ी नहीं देखी हो तो डिजाइनर कर रही हो। आ हमरे पास बहुत साड़ी है, तुमका डिजाइनर साड़ियां दिलाते हैं। इट्स डिजाइनर बाय द वे, यू बकास। फिल्मी गानों पे नाच गाना बहुत हुआ, अब जो है हम शिव की आराधना पे नाचेंगे, वो भी घंटी बजाए के। काहे कि शिव जी ने हमारी मनोकामना जो पूरी की है। परमा वो खातिर तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं यहाँ घंटा कहाँ से आएगा? सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल। मॉम, हाँ भूमि ने अभी बताया क्या इस हीरावती ने सच में साड़ी के अंदर जींस पहनी है? वही तो एक्सपोज करने में स्टेज पर गई थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इरावती को भंग करने का शौक है? लेकिन मॉम प्लान तो फेल हो गया ना। या हमारी मॉम के पास कम प्लान्स हैं। कैसा लगा मेरा प्लान? परफेक्ट। मैं पल्लू ठीक करके आती हूँ। प्लान याद है? Yes. Let's go. सारी संभालने के लिए तो मुझे नोबल प्राइज मिलना चाहिए। What did you just say to me, Mom? How can you say that? I'm just saying, this crew ढीला है। पर मेरी बात कौन सुनता है? How can you be so rude to me? मैं इतनी भी dumb नहीं हूँ, हाँ please. Baby, boo. I'm not talking about you. मैं तो उस शैंडिलियर की बात कर रही हूँ जिसपे पुष्पा ने उस गांव वाली ने वो घंटी टांग कर रखी है।
उस घंटी के वजन से अगर वो शैंडलियर नीचे गिर गया तो अगर वो शैंडलियर पुष्पा आंटी के सर पे गिर गया तो उनका सर फट सकता है, ऐसा कुछ है? Like seriously, मुझे पुष्पा के सर की फिक्र होगी? Never. मुझे तो फिक्र है अपने एंटी क्रिस्टल्स शैंडलियर की। मुझे कुछ भी करके अखिलेश की मॉम को रोकना होगा। वो झूमर कमजोर है ना तो आपके ऊपर गिर जाता तो इसीलिए धक्का देना पड़ा। हाँ आप ठीक तो है ना? हे भगवान, गुडनेस, ये क्या है? जीन्स? पुष्पा, तुम तो सारी दुनिया को बताती फिर रही थी कि तुम्हारी होने वाली बहू कितनी सीधी साधी संस्कारी है। ये है तुम्हारी होने वाली बहू के संस्कार, जीन्स। मेरी बेटी के साथ उसके मॉडर्न कपड़ों पर तुम्हें बहुत एतराज था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, राइट? सबके सामने कितनी बातें सुनाई तुमने उसे, बेचारी रो पड़ी। अब तुम्हारी बहू का क्या? एक मिनट, तुम्हारी होने वाली बहू भी तो तुम्हारी जरा अनपढ़ और गंवार है, राइट? तो फिर इसे ये मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक कहां से हुआ? You know what era? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तुम वो हो नहीं जो तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो। बड़ी सीधी सादी संस्कारी टाइप्स बन रही थी। कहां गए तुम्हारे संस्कार? ये है तुम्हारे संस्कार? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारे जवाब के लिए। अगर तुम सच में एक सीधी साधी और गंवार लड़की हो तो फिर ये सब क्या है? You know what? तुम्हारी खामोशी तुम्हारा राज खोल चुकी है। Oh my God, Pushpa darling, I feel so bad. ये तो बिल्कुल वैसी बहू नहीं है जैसी तुम चाह रही थी। अब तुम क्या करोगी? अब कैसे गुजारा करोगी तुम एक मॉडर्न या फिर चालू लड़की के साथ? बस कीजिए मॉम। हम अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकते, हम कह रहे हैं। और रही बात जींस की, तो हम आपको कह देते कि जींस हम ही उनका भेंट दिए थे। हम ही जानते हैं कि जींस के खातिर उनको मनाने के लिए हमने का झेला है। इरावती जी यहाँ शहर में रहने आ रही है, हम भी चाहते हैं कि वो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का चाल ढाल सीख ले।
कल आकर वो ये घर में प्रवेश करेगी, हम भी चाहते कि हमारी बहनों के साथ घुल मिल जाए, आपके साथ घुल मिल जाए, और यही कारण था कि हमने उनका कहा कि जीन्स पहन लीजिए इरावती जी। और अगर आपको उनका पहनावा इतना ही खटक रहा है ना, तो मॉम आपको जो भी कहना है ना, हम का कहिए, हमारी होने वाली पति को नहीं। नाइस ट्राई ग्लू बेटे, लेकिन आज तुम इस लड़की को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आज मैं इस लड़की का असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी। चुप हो जाओ, और कुछ ना ही बोलेगा। अब बातें होंगी तो केवल ईरावती और हमरे बीच में।